चोरी भी तैयार करूँगी, इसलिए मैंने मैदा लिया है 2 कप और मैंने 1 चम्मच नमक शामिल किया है, भर के चम्मच एक नमक शामिल किया है, और जो मैंने घी 2 चम्मच शामिल किए हैं। अब मैं मिक्स करके मैं आटा गूंदूंगी। मैंने मैदे को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब मैं मैदे को गूंद रही हूँ, कचौरी तैयार करूँगी। कचौरी के लिए आटा तैयार हो गया है, कचौरी बनाने के लिए मैं इनको पीसेस में कर लिया है, अब मैं इनको बेलूँगी। माशाल्लाह से हमारी कचौरी तैयार हो गई है। चिकन कचौरी को आप केचप के साथ सर्व करें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।